Voor प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय कुमार जी, यहाँ के जन नेता विवेक जी, जिलाध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपका मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन आया है। ये रिप्रेजेंटेशन मैं भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा और मेरे को बहुत दुख हुआ जब ये पता चला कि यहाँ की मैनेजमेंट कोल फैक्ट्री का यहाँ की जनता को लूट रही है और लूटने वाले केवल फैक्ट्री के ऑफिसर, सीईओ, एमडी नहीं, उनके साथ जिनकी ड्यूटी आपके रक्षक के रूप में लगी थी, वो टीआरएस के लोग भक्षक बनकर आपको लूट रहे हैं। दुख हुआ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये लोग कह रहे हैं हम 49% के केंद्र के लोग पार्टनर हैं। हम पार्टनर तो 49% के हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता इसकी एक एक इंच जमीन की मालिक है। आप उसको लूट नहीं सकते, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। ये चोर, लुटेरे, डाकू आज टीआरएस के लोग मिलकर इसको लूट रहे। मैं हैरान हूं कि कविता, जो यहां यूनियन लीडर बनकर इस कंपनी की सुपर बॉस बनकर बैठी है, उसको भी ये मैसेज है, जिन्होंने लूटा है भाजपा ने उन्हें छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, अलग से माल निकालेंगे। जिसने गरीब का माल खाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अलग से निकालेगी। और जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, ये रिप्रेजेंटेशन मैं केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा, कोल मिनिस्ट्री तक पहुंचाऊंगा, सीबीआई तक पहुंचाऊंगा, और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी। मेरी आपसे विनती है, कुछ लोग यहां आकर अफवाहें फैलाते हैं, किसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मजदूरों के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी मजदूर की रोटी, मजदूर की चिंता, इस देश के अंदर कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोगों के घर में भोजन पहुंचाने वाली कोई सरकार विश्व में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारत का प्रधानमंत्री मजदूरों की चिंता करता है, एक साल में जितना पीएफ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मजदूरों के लिए हमेशा लड़ना, मजदूरों के लिए काम करना, मजदूरों की चिंता करना, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी हर मजदूर, पंडित संजय कुमार जी, यहाँ के जन नेता विवेक जी, जिलाध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आपका मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन आया है। ये रिप्रेजेंटेशन मैं भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा और मेरे को बहुत दुख हुआ जब ये पता चला कि यहाँ की मैनेजमेंट कोल फैक्ट्री का यहाँ की जनता को लूट रही है और लूटने वाले केवल फैक्ट्री के ऑफिसर, सीईओ, एमडी नहीं,
उनके साथ जिनकी ड्यूटी आपके रक्षक के रूप में लगी थी, वो टीआरएस के लोग भक्षक बनकर आपको लूट रहे हैं। दुख हुआ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये लोग कह रहे हैं 49% के केंद्र के लोग पार्टनर हैं। माता की, भारत माता की गति तिंगल मतलब मोदी इंजीनियर కేసీఆర్ సార్కు భారత్ మాతాకి జై అంటే వందే మాత్రం అంటే చేస్తున్న తప్పులు ఉంటున్నాడు. సింగరేళ అయ్య సొత్తాను కూడా బాబు సొత్తాను కూడా నెక్స్ట్ సింగరేళ కూడా ఇదే కాసేపు రెఫర పడుతుంది. ప్రతి సింగరేళ కారుకులు భారత్ మాతాకి జై వందే మాత్రం చేసినట్టు గర్జిస్తారు, బాధిస్తారు. కేసీఆర్ గుండెలో తప్పులు ఉంటారు. ఒక రెండు ఉన్నారు ఇప్పటికే వివేకలేపు రవణేశారు పరిస్థితి గారి ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీకి పోయిపోతా ఒక్క సింగరేణి కారుకులకు నాకు న్యాయం జరిగింది కదా, తప్పకుండా న్యాయం చేస్తానని అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వివేకన జోలిగలక సింగరేణి కారుకులు చెప్పుకుంటూ చెప్పవచ్చు. ఢిల్లీకి సింగరేణి పూర్తి అభివృద్ధికి అడ్డగా మారింది, అడ్డుమలకు అడ్డగా మారింది. ఉత్తర కనుక దున్న పుత్రులకు ఒక్కొక్కరు చూసుకుని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక ఫైనాన్స్ సోర్స్గా నేను సింగరేణి మారింది. సింగరేణి అడ్డగా చూసుకుంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొంచెం సింగరేణిని అవినీతి రహితంగా మాత్రం
న్యాయం జరిగే కూడా మీ కన్న ఉందని చెప్పి మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ అందరూ ఒకటి ఓటు బ్యాంక్ అవ్వండి, ఏకతాటి పోరండి. అవినీతికి వ్యతిరేక పోరాటం సింగరేణి కార్మికులకు న్యాయం జరిగే విధంగా అందరూ భారతీయ జనతా పార్టీ మీకు అందరూ ఉందని చెప్పి స్పష్టం చేస్తూ ముగిస్తారు. భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి.